मिस किए बिना देखने के लिए उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए। एक धनकपुर नाम का गांव था। उस गांव में श्रीपति नाम का एक जमींदार था। वे काफी विद्वान और सभी से मिलजुल कर रहते थे। उस जमींदार को दो बेटे थे, राम और लखन। कहने को तो दोनों समझदार और बुद्धिमान थे, लेकिन दोनों की आदतें बिल्कुल अलग अलग थी। राम एक हसमुख और मिलनसार लड़का था। वो हमेशा लोगों की अच्छी आदतों पर ध्यान देता और उनकी बुरी आदतों पर वो बिल्कुल ध्यान नहीं देता। इसके विपरीत लखन था। वो लोगों से कम मिलता और लखन क्रोधी स्वभाव का भी था। वो लोगों की अच्छाई पर ध्यान न देकर उनकी बुराई पर ध्यान देता। एक दिन श्रीपति ने अपने दोनों बेटों की परीक्षा लेने की सोची, इसलिए उसने राम को बुलाया और कहा, बेटे राम, तुम मेरा एक काम करोगे? जी पिताजी, मैं आपका काम जरूर करूंगा। राम, मैं चाहता हूँ कि तुम बुरे आदमी की तलाश करो और उस आदमी को तुम मेरे पास लेकर आओ। जी पिताजी, मैं आपका एक काम जरूर करूंगा। यह कहकर राम बुरे व्यक्ति की तलाश करने निकल गया। घर से निकलकर वो हर जगह गया और बुरे आदमी की तलाश करने लगा। लेकिन राम हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ अच्छाई ढूंढ ही लेता, जिसकी वजह से वो उसे बुरा आदमी मानने से मना करता। आखिर कुछ दिनों के बाद राम वापस घर लौटकर आया और उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, मैं बुरे आदमी को नहीं ढूंढ पाया क्योंकि मुझे हर इंसान में कुछ ना कुछ अच्छाई जरूर दिखी। ये तो बड़ी अजब बात है कि तुम्हें एक भी बुरा आदमी नहीं मिला। खैर, तुम अपने रूम में जाकर आराम करो। उसके बाद श्रीपति ने अपने दूसरे बेटे लखन को बुलाया और उससे कहा, बेटे लखन, तुम किसी अच्छे व्यक्ति को ढूंढो और फिर उसे मेरे पास लेकर आओ। पिताजी, अच्छा व्यक्ति ढूंढना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगा। यह कहकर लखन किसी अच्छे व्यक्ति की खोज के लिए निकल गया। लखन ने भी इधर उधर काफी ढूंढा, लेकिन उसे ऐसा कोई इंसान नहीं मिला जिसे वो अच्छा इंसान कह सके। उसे हर इंसान में कोई ना कोई बुराई जरूर दिखती। कुछ दिनों की तलाश के बाद लखन भी घर लौट कर आया और उसने कहा, पिताजी मैंने पहले ही कहा था कि दुनिया के हर इंसान में बुराई होती है, इसी वजह से मैं कोई अच्छा इंसान नहीं ढूंढ पाया। अच्छा, ये तो बहुत अजब बात है। तभी वहाँ राम भी आ जाता है। तब श्रीपति ने अपने दोनों बेटों से कहा, बच्चों, हम जब भी किसी आदमी से मिलते हैं, तब हम उसे उस नजर से देखते हैं जैसे हम होते हैं, और फिर हम उसी नजर से तय करते हैं कि सामने वाला व्यक्ति अच्छा है या बुरा। राम, तुम हर इंसान में अच्छाई ढूंढते हो, इसी वजह से तुम्हें बुरा इंसान नहीं मिला। वही लखन, तुम हर इंसान में बुराई ढूंढते हो, इसी वजह से तुम्हें अच्छा इंसान नहीं मिला। बच्चों, ये सिर्फ नजरियों का फर्क होता है। लखन हर इंसान का अच्छा या बुरा होना उसके स्वभाव और आचरण पर पूर्णता निर्भर नहीं करता, क्योंकि बेटा दूसरों को परखने में अपने नजरियों का भी अत्यंत महत्व होता है। लखन को अपनी गलती समझ में आ जाती है। पापा, आपने सही कहा। अब मैं भी राम भैया जैसे हर आदमी में अच्छाई ढूंढने की कोशिश करूंगा। बच्चों,
हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है, अगर हमारा नजरिया सही हो तो हमें हर इंसान में अच्छाई जरूर मिलेगी।